हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपना परिवार मस्त क्लासेस में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मेरे प्यारे रसगुल्लों, शेर और शेरनियों, आज की इस वीडियोस में मैं आप सबको क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 का सलूशन करने वाला हूं। और इस वीडियो में आपका पूरा तरह से एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हो जाएगा। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग शानदार है। तो आइए बिना टाइम लिए मैं आपको क्वेश्चन का सलूशन करके दिखाता हूँ कि क्या कहता है। लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है ना समकोण है, यदि टेन ए का मान जो है आपका 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। टेन ए का दिया है ना, देखिए सलूशन, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, फिगर बना लेंगे। पहले का मैं बना रहा हूँ, टेन बी समकोण है, ये बी हो गया, आपके क्वेश्चन में लिखा है बी, तो यहाँ ए और सी है। टेन ए का मान क्या दिया है, 1/√3। तो आपने पढ़ा है टेन का सूत्र लंब बटा आधार, यही ना होता है, इसलिए लंब जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 1, लंब क्या हो जाएगा 1 और आधार क्या हो जाएगा √3। लंब हो गया 1, आधार हो गया √3। तो कर्ण तो निकालना ही पड़ेगा, तो कर्ण होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब जो है आपका 1 है, 1 का स्क्वायर, आधार जो है √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जो होता है 1 और √3 के 3 मिल के हो जाएगा √4 और 4 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 2। तो कर्ण कितना आ गया 2। अब इसको इसको और इसको गौर से देखिएगा, ये आपका 2 हो गया, ठीक है ना। अब इसके माध्यम से आप पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। पहला देखिए क्या लिखा है, क्योंकि लिखा है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यही ना लिखा है। अब आपको मान भरना है साइन ए, यहाँ पे आप बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा, लंब बटा कर्ण, यहाँ से जैसे ही चढ़ेंगे तो लंब आपका हो जाएगा बी सी और कर्ण होगा ए सी। तो साइन के लिए यहाँ लिख लीजिए बी सी बटा में ए सी, यहाँ गुना का चिन्ह छुपा है। कॉस सी तो कॉस सी यानी यहाँ पे आधार बटा कर्ण, तो आधार बी सी और कर्ण होगा ए सी, तो बी सी बटा ए सी। फिर प्लस कॉस ए, तो यहाँ पे आधार, तो आधार आपका हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी, तो ए बी बटा ए सी। फिर गुना साइन सी, यहाँ पे लंब बटा कर्ण, तो ए बी बटा ए सी। बी सी पी सी दो गो है, तो आप बी सी बटा ए सी का आगे इधर बढ़ा देता हूँ, आप कर सकते हैं बी सी बटा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए सी का स्क्वायर। अब अगर मान देखना है तो आप देख ले और भर लीजिए, बी सी है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, देखिएगा बी सी एक है और नीचे में क्या भरना है ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, बी सी ए सी क्या लिखना है, बी सी ए सी, तो बी सी एक और ए सी, तो ए सी आप देख सकते हैं दो लाए हैं, बी सी एक ए सी दो, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस ए बी ए सी, क्या लिखा है ए बी और नीचे में है ए सी, तो ए बी ए सी, तो ए बी हो गया √3 और ए सी 2 है, तो √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा बढ़ जाइए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4, √3 का 3 2 का 4, 3 और 1 मिल के हो गया 4, 4/4 कट के आपका आ गया 1 आंसर, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, इस इधर दिखा हुआ है कॉस ए इंटू कॉस सी, तो इसको आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस का बेसिक गुणा आधार बटा कर्ण, तो ए है यहाँ पे, तो आधार हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी, तो ए बी बटा ए सी। कॉस सी आधार बटा कर्ण, तो फिर सी से यहाँ पे आधार आपका बी सी और कर्ण होगा ए सी, तो बी सी बटा ए सी। फिर माइनस साइन ए, तो साइन ए यहाँ पे लंब, तो लंब ए बी, लंब बी सी और कर्ण जो होगा आपका ए सी। साइन सी यहाँ पे फिर लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी, लंब होगा ए बी और कर्ण होगा ए सी। ए बी का मान आप देखकर पुट कीजिए, क्या है √3 और ए सी का मान देख सकते हैं 2, तो √3/2। बी सी का मान 1, ए सी का मान 2, फिर यहाँ पे बी सी 1, ए सी का 2, 1/2। ए बी का मान √3, ए सी का मान 2। आगे जब बढ़ेंगे तो हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, कैंसिल आउट,
आपका आ गया 0 आंसर। ठीक है, तो ये आपका 9 का सोल्यूशन हो गया। अब आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 से रूबरू कराता हूँ, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और परीक्षा में बहुत बार आया है। देख लीजिए एक बार पूरा क्वेश्चन। लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण जो है ना पी क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 है, अब पी क्यू 5 सी एम है, तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन से आप लोग रूबरू हो गए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ सोल्यूशन करके। एक त्रिभुज बना लेते हैं Q जो है समकोण है, इधर आपका P होगा इधर R होगा। ठीक है, इसके किताब में आपको दिया है PQ कितना 5 सी एम, ध्यान से देखिएगा PQ 5, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, तो आपने एक थ्योरी पढ़ा है कि कर्ण स्क्वायर, थोड़ा सा इधर बढ़ा देते शायद दिखाई नहीं दे रहा है ना, देखिएगा कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये बेसिक सूत्र है। ठीक है ना, और एक चीज़ आपका ये दिया है, चूंकि दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर मिलकर कितना है 25, ये चीज़ दिया है, तो कर्ण आपको इसमें पी आर हो गया तो पी आर का स्क्वायर आप कर सकते हैं, लंब जो है क्यू आर हो गया क्यू आर का स्क्वायर कर सकते हैं, और आधार आपका जो है 5 पी क्यू का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें से किसी को हटाना पड़ेगा ताकि अच्छा से बन सके, है ना, बिना हटाए आप बना नहीं सकते हैं, तो इसमें से बताइए हटाना होगा। तो इसमें से हम पी आर को ऐसे लिख लिए 25 माइनस क्यू आर, इक्वेशन 1 बाद में काम करेगा, तो पी आर के जगह पर 25 माइनस क्यू आर मैंने पुट कर दिया का स्क्वायर, इधर क्यू आर का स्क्वायर आप पी क्यू के जगह पर 5 पुट कर दिए 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो रहा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो 2 गुने 25 गुने क्यू आर, और इधर हो गया क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर, किधर उधर एक ही साइन में कटता है, क्यू आर कट गया, 25 का 625 और माइनस 50 क्यू आर 25, अब आगे 50 क्यू आर इक्वल टू हो गया 25 माइनस 625। ठीक है, तो क्यू आर इक्वल टू घटाएंगे तो माइनस 600 और 50 का भागा में 0 कट गया, अब 5 ले 12 बार में। ठीक है ना, तो इसलिए आपका देखिए क्यू आर कितना आ गया, क्यू आर आ गया 12, क्यू आर आ गया 12। अब चूंकि यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि पी आर इक्वल टू हमने लिखा है 25 माइनस क्यू आर लिखे है ना, तो इसलिए पी आर बराबर हो जाएगा आपका 25 और क्यू आर का मान माइनस 12, तो पी आर हो गया आपका 13, ये भी निकल गया, तो पी आर 13 हो गया। इसमें भर देते हैं फिगर में, पी आर कितना 13 भर दिया, क्यू आर 12 भर दिया। अब देखिए जो जो निकालना है बहुत आसानी से निकलेगा। अब आपको निकालना है साइन पी, तो निकालिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब देखिए साइन पी लंब हो गया आपका क्यू आर, कर्ण पी आर, तो क्यू आर का जो मान है आप देख सकते हैं 12 है और पी आर का 13, तो 12/13 आंसर हुआ। अब देखिए साइन पी के बाद था कॉस पी, तो कॉस पी सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार देखिए कॉस पी यहाँ पे आ गए आप, तो आधार आपका पी क्यू और कर्ण पी आर, पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू का मान 5 और पी आर का 13, 5/13 ये आपका आंसर हुआ। और एक है टेन पी जिसका सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब देखो टेन पी, यहाँ से लंब जो आएगा आपका क्यू आर है और आधार जो है आपका पी क्यू, तो क्यू आर का जो मान है आपका ना 12 है, पी क्यू का 5, 12/5 आंसर हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, और आज आपका प्रश्नावली 8.1 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देखिए 11 क्वेश्चंस में लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित आप उत्तर भी दीजिए। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि टेन ए का मान जो है सदैव 1 से कम होता है, तो ये आपका पहला जो होगा ना
असत्य बात है। क्यों? तो आइए आपको मैं डायग्राम से दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं टेन ए का डायग्राम है। ये किसका है? टेन ए का। तो देखिए, एक जगह टेन का मान रूट तीन होता है। रूट तीन का मतलब होता है 1.73। हरदम बदल रहा है टेन का मान, कभी जीरो, कभी एक बटा रूट तीन, कभी एक, कभी रूट तीन, कभी इन्फिनिटी, यानी बदल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि हमेशा एक होता है, तो गलत बोला, इसलिए असत्य है। ठीक है, दूसरा देखिए, कोण एक किसी मान के लिए, अगर कोण एक कोई भी हो तो किसी मान के लिए सेक 12/5 हो सकता है। तो सेक का मान देखिए 5 × 10, 5 × 20, 2.4 आ जाएगा। तो सेक का तरी डायग्राम देखिए, सेक का मान एक होता है, 2/√3 होता है, √2 होता है, 2 भी होता है, फिर इन्फिनिटी भी होता है ना। तो इन्फिनिटी तक ये जा रहा है सेक, यानी कि 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो वही बात ये भी कह रहा है कि सेक के 12/5 2/4 आ रहा है, जो कि 2 से ज़्यादा है और डायग्राम में भी है। तो इसलिए दूसरा क्या है? सत्य है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा आपका अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि कॉस जो है ना, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये जो बात है ना तीसरा, ये सरासर गलत है, यानी ये तीसरा भी असत्य है। क्यों? क्योंकि कॉस जो है ना, कॉस ए आपको कोसाइन से बना है। किससे बना है? कोसाइन से। और जबकि इसमें क्या है? कोसेकेंट से। इससे जानते हैं क्या बना है? इससे कोसेक ए बना है। इसलिए तीसरा आपका क्या होगा? असत्य। चौथा देखिए कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये भी बात असत्य है। ठीक है ना, कॉट और ए का गुणा नहीं होता, ऐसा कंडीशन कभी नहीं होता है। ये जो है ना एंगल बताता है कई डिग्री का, इसलिए चार आंसर गलती है। 5 कह रहे किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3। तो जब आप 4/3 का सोल्यूशन करेंगे तो 1.33 आएगा। अब साइन का तनी डायग्राम देखिए, तो साइन का मान जो है मैक्सिमम, जो है मैक्सिमम एक तक जाता है, एक से ज़्यादा नहीं। और ये मान जो है एक से ज़्यादा है, जबकि इसमें एक ही है लगभग। ये भी बात क्या है? है ना, किसी भी थीटा के लिए 4/3 साइन थीटा का ना, हो सकता है 1.3, हाँ हो सकता है। ये साइन का भी मान 90 के आगे जब जाएंगे तो बढ़ता है, इसलिए पांचवा भी क्या है? सत्य है। ठीक है ना, ये सत्य हो गया। तो आज के इस वीडियोस में मैंने आपको जो कुछ भी बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आपका पूरी तरह से आपका समाप्त हो गया। सॉरी फ्रेंड्स, ये पांचवा असत्य है, मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि एक से ज़्यादा नहीं होता। मैंने देखिए बताया भी, एक से ज़्यादा नहीं होता, इसलिए जो पांचवा है वो क्या है? असत्य है, असत्य होगा, असत्य कर लीजिएगा ना। तो मैंने आज के इस वीडियोस में आपको त्रिकोणमिति का 9, 10, 11 क्वेश्चन का सोल्यूशन किया। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा, और इस तरह से आपका प्रश्नावली 8.1 पूरी तरह से समाप्त हो गया ना। अब आगे की वीडियोस में मैं आप सबको प्रश्नावली 8.2 का वीडियो अपलोड करूंगा। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार अगर आप मेरे चैनल मस्त क्लासेस पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।